Hello students, welcome to Manish the learning app. Today we are going to discuss the fourth chapter of your geography book, that is agriculture. Okay, इस chapter को आप class 8th में भी पढ़कर आए हैं and I hope you all must remember that agriculture does not only means farming. Yes, agriculture का जो meaning है वो केवल farming नहीं है, ठीक है. Agriculture is not only related to growing or raising crops, but also it is related to rearing of livestock. Animals ko rear karna bhi agriculture ka hi part hai. So basically, in this chapter, what we are going to discuss, kya discuss karne wale hai hum is chapter mein? Ki agriculture kya hai? What are the various types of farming? Okay, then we'll be discussing the seasons, the cropping patterns of India. किन डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में इंडिया में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. व्हाट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन आवर कंट्री. ओके, देन वी विल लुक दैट व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और चेंजेस दैट हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ एग्रीकल्चर. कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये भी सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, इसके अलावा फिर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आया है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, क्यों जरूरी है हमारे लिए चैप्टर पढ़ना. ये तो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर है तो हम हैं. आज फार्मिंग हो रही है, क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो क्रॉप्स की वजह से वी गेट आवर फूड, क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सर्वाइव, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू लिव ऑन दिस अर्थ. ओके, अर्ली मैन की जैसी लाइफ हो जाती है हमारी. अर्ली मैन ने भी पहले दे यूज्ड टू ईट रॉ थिंग्स, बट अराउंड 8000 ईयर्स अगो दे रियलाइज्ड दैट food is tastier when it is cooked. Okay, so they started cooking and later on they around 8000 years ago they started growing crops, right? So what is agriculture? Agriculture is the science of raising crops and rearing livestock. Crops ko raise karna aur livestock ko rear karna, livestock ko palna is known as agriculture. Okay, इसके अलावा हमारे लिए ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर वी स्टडिंग एग्रीकल्चर, व्हाई इट हैज बीन इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, स्पेशली इन द रूरल एरियाज. यू नो, स्टिल मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. आज भी हमारी कंट्री के कई सारे लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. ओके, सो आपको पता है एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, इट इज नॉट अ न्यू फिनोमेना. पिछले 8000 सालों से हम लोग एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं एंड इंडिया वॉज अर्लियर नोन एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. इंडिया को क्या कहा जाता था? Agrarian economy, as we used to grow crops, as most of the people were engaged in agriculture. Time ke saath cheeze badli, log aur bhi sectors mein shift hue. Okay, to chaliye, aapko sabse pehle jo hum log padhenge wo hai types of farming. Aapko yahan pe kaha gaya hai ki cultivation methods jo hai, theek hai, cultivation methods depend karte hain physical environment pe, कि हमारा आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, लैंड कैसा है, सॉइल कैसी है, ठीक है, लोगों की क्या नीड है. टेक्निकल नो हाउ, इट मींस द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी हैव एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन आवर सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस. और इसी के बेसिस पे फार्मिंग वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर एंड फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप्स. If we talk about the two main types of farming, अगर हम दो main type की बात करें farming की, तो वो क्या है? Subsistence farming and commercial farming. Okay? Subsistence farming is the type of farming where
the farmer produces food grains for satisfying his needs as well as the needs of his family. It means when the farmer produces the grains for his consumption. Okay, but in commercial farming, the farmer not only produces to satisfy his and the needs of his family, but also to sell out them in the market. Okay, so this is the basic distinction between them. They have various subgroups, and about them we'll be discussing in our further videos. Thank you.